हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा से अव्ययता पार्ट थर्ड। इससे पहले मैं टू पार्ट्स आपके डाल चुकी हूँ संज्ञा से रिलेटेड, तो ये हमारा तीसरा पार्ट है और इसके बाद एक और पार्ट मैं आपके लिए संज्ञा से अव्ययता के लिए डालूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति का विशेषण है, संस्कृति जो हमारा शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, संस्कृति में क्या बोलते हैं, इसमें जब भी विशेषण आता है तो संस्कृत वर्ड लगा देते हैं। संस्कृत का संस्कृति से कोई संबंध नहीं है, संस्कृत का संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। सांस्कृति ये भी कोई वर्ड नहीं है, संस्कृति ये अशुद्ध वर्ड है और जो हमारा सही आंसर होगा सांस्कृतिक होगा, सांस्कृतिक ही संस्कृति का विशेषण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पार्श्विक। फ्रेंड्स जब भी पशु का जो हमारा पशु का किसी भी उसमें विशेषता बताई जाएगी तो पार्श्विक वर्ड यूज किया जाएगा, पशुपति या पशुता, ए दोनों ही, ए तीनों ही आंसर ऑप्शन हमारे गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पार्श्विक। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेषण शब्द का चयन करें, इनमें से विशेषण कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी फुफेरा। जैसे कि हम कहेंगे कि भाई हमारा फुफेरा भाई है तो उस भाई की विशेषता होगी कि वो हमारा फुफेरा भाई है। बेकारी, वृक्ष और सौंदर्य, ये तीनों ही आंसर हमारे ऑप्शन हमारे गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है फुफेरा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानव शब्द से हमारा कौन सा विशेषण बनता है? मनुष्य, मानवीकरण, मानवीय या मानवता? तो इसका जो सही आंसर है वो है मानवीय। मनुष्य शब्द से जो हमारा विशेषण बनेगा, मनुष्य शब्द से विशेषण वो बनेगा मानवीय, मानवीकरण, मानवता, मनुष्य, ये तीनों गलत है। आलस शब्द से, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? फ्रेंड्स जब भी हम आलस्य शब्द को किसी वाक्य में डालेंगे और किसी की विशेषता बताएंगे तो उसमें हमारा जो है आलसी वर्ड यूज होगा कि वह बहुत ही आलसी है। आलस्य का हम जब भी वाक्य प्रयोग करेंगे तो उसमें आएगा कि वह बहुत ही आलसी है, आलस या आलसीपन या आलस, अलस, ये तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, संबंधवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम जो जब भी बात संबंधवाचक सर्वनाम की होती है तो इसमें सिर्फ दो ही आते हैं, एक आता है जो और दूसरा आता है सो। तो इन दोनों शब्दों को आप याद कर लीजिएगा, जब भी संबंधवाचक सर्वनाम की बात आए तो उसमें सिर्फ दो ही आते हैं, पहला जो और दूसरा सो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह घर अच्छा है, इसमें यह से तात्पर्य क्या है? तो इसमें यह से तात्पर्य है वो है सर्वनाम। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी, यह, वह और कोई, यह हमारे सार्वनामिक विशेषण में भी आते हैं। सार्वनामिक विशेषण के हमारे दो पार्ट होते हैं, सबसे पहला आता है हमारा मौलिक और दूसरा आता है हमारा यौगिक। तो जो हमारा मौलिक में हम यूज करते हैं फ्रेंड्स तो वो होता है हमारा यह, वह और कोई, ये तीन वर्ड हमारे इसमें आते हैं, मौलिक में आते हैं यह, वह और कोई। जो हमारा यौगिक में आता है वो होता है ऐसा, कैसा और जैसा, ये तीन वर्ड हमारे सार्वनामिक में यौगिक में आते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी अगर यहाँ पे सर्वनाम हमारा ऑप्शन ना दिया जाता तो इसका आंसर होता हमारा सार्वनामिक विशेषण, लेकिन जब भी सर्वनाम हमारा आंसर ऑप्शन दिया जाए तो यह का अर्थ हमेशा सर्वनाम से ही रिलेटेड होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से अनिश्चय सर्वनाम में शामिल है, इनमें से कौन सा हमारा अनिश्चय सर्वनाम में शामिल है? तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा आंसर है वो है आंसर हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सब कुछ, कुछ भी और कोई, ये सारे हमारे अनिश्चय सर्वनाम में नहीं आते, आते हैं। जो नहीं आता है वो है हमारा जो और सो। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है इनको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अनिश्चय में जब भी बात हो तो इसमें हमारा जो है कोई, कुछ, ये तो आते ही हैं, कोई और कुछ ये तो आते ही हैं। इसके अलावा जो है हम जो कुछ भी हुआ, सब कुछ हुआ, तो इनको हम यूज़ भी करते हैं, कभी कभी ये हमारे यूज़ हो जाते हैं, कभी कभी यूज़ होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये यूज़ ज़रूर होते हैं। जो और सो, जो और सो जो है वो आप, मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन था कि संबंधवाचक सर्वनाम में हमारे जो और सो आते हैं। तो
वंश जो और सो हमारे संबंध में आते हैं या निश्चय वाचक सर्वनाम में नहीं आ सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भिन्न है, इनमें से कौन सा भिन्न है? ऑप्शन आपने, दूसरा हमारा, तीसरा तूने या चौथा तुमको। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी इसका जो ऑप्शन बी है वो हमारा इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी हमारा। इनमें से कौन सा भिन्न है? तो फ्रेंड्स हमारा जो है ये उत्तम पुरुष में आता है। आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो वर्ड है ये उत्तम पुरुष में आता है, और जबकि तूने तुमको ये जो आते हैं हमारे है किसी तूने तुमको ये हमारे मध्यम पुरुष में आते हैं। फ्रेंड्स इस बात को गौर कीजिएगा, तूने तुमको ये जो हमारे हैं ये मध्यम पुरुष में आते हैं, जबकि हमारा जो है ये हमारा उत्तम पुरुष में आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा भिन्न है, इसमें भी हमें भिन्न वर्ड निकालना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमने जो है फ्रेंड्स ये भी हमारा उत्तम में आता है, उत्तम पुरुष में हमारा हमने आता है, जब जबकि इससे इन और उसको, इससे इन और उसको ये जो हमारे हैं ये हमारे अन्य पुरुष में आते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगी, जब भी ये हमारे तीन पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य, ये तीन पुरुष हमारे हिंदी में आते हैं, तो जब भी बात फ्रेंड्स हमसे रिलेटेड हो, खुद से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे उत्तम आता है। मध्यम का अर्थ होता है मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि वह है, उनसे होता है अब क्या बोलते, तू तुमको, तुमने मुझे, तूने, तो जैसे दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है, तो अगर हम अपने से रिलेटेड बात होगी तो वो उत्तम होगा, सामने वाला जिसे हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा मध्यम होगा, और जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, तो वो हमारा अन्य पुरुष में आएगा। तो इसका जो भिन्न है वो है हमने हमारा उत्तम पुरुष में आता है, जबकि ये जो है इसने, इससे, इन और उसको, ये हमारे अन्य पुरुष में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इसमें कौन सा कारक है, इसमें हमें कारक निकालना है कि इसमें कौन सा कारक है। तो इसका आंसर है अधिकरण, अधिकरण इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें हमने पर यूज़ किया है। अगर मैंने आपको इससे जो पहले जो वीडियो हमारा डाला था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कारक के संबंध में जो हमारे 8 कारक होते हैं उनकी एक पहचान होती है, तो जो अधिकरण की हमारी पहचान है वो है पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह स्कूल पहुँच गया, इसमें पहुँच गया निम्न में से किसका उदाहरण है, प्रेरणादक, द्विकर्मक, संयुक्त या पूर्वकालिक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है संयुक्त, और ये जो हमारे 3 ऑप्शन है वो गलत है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि आप ये जो हमारा गलत है तो वो क्यों है। द्विकर्मक क्रिया जो होती है फ्रेंड्स इसमें 2 कर्मों को लिया जाता है, जैसे कि मैंने कहा माँ ने मोहन को हिंदी पढ़ाई, तो माँ ने मतलब मोहन को ये हमारा 1 कर्म हुआ, और हिंदी ये हमारा 2 कर्म हुआ, क्योंकि हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि माँ ने मोहन को हिंदी को पढ़ाया, यानी कि माँ ने जो मोहन को पढ़ाया वो किसको पढ़ा, क्या पढ़ाया, हिंदी को पढ़ाया। तो इसमें 2 कर्म होते हैं, तो एक द्विकर्मक क्रिया नहीं हो सकती क्योंकि इसमें 2 कर्मों को लिया जाता है। पूर्वकालित होती है कि वह आया और सो गया, मतलब वो आया पहली क्रिया और सो गया ये दूसरी क्रिया, तो पूर्वकालिक क्रिया जो होती है वो पहले वाली क्रिया होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया, तो हमारे 2 ऑप्शन गलत है। प्रेरणाथक मतलब प्रेरणा देने से रिलेटेड क्रिया होती है, तो प्रेरणाथक हमारी नहीं हो सकती, वह स्कूल गया और पहुँच गया, संयुक्त क्रिया होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विवेक सो रहा है, विवेक सो रहा है, इसका हमें, इसमें भी हमें निकालना है कि क्रिया का भेद होगा, इसमें हमारा कौन सी क्रिया जो है हमारी कौन सी क्रिया होगी। इसका जो सही आंसर है वो है अकर्मक। फ्रेंड्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो हमारा द्विकर्मक होगा, तो द्विकर्मक में हमें 2 क्रियाओं की जरूरत होती है, सकर्मक और प्रेरणाथक। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि सकर्मक जो होती है वो जो क्रिया होती है इसमें 2 चीज़ों का आंसर मिलता है, मतलब 2 ऑप्शन का हमारा आंसर मिलता है। एक तो पहला होता है हमारा क्या, और दूसरा होता है हमारा किसको। इसमें जो हमारी मतलब सकर्मक क्रियाएँ जो होती हैं इसमें 2 ऑप्शन मतलब 2 क्वेश्चन किए जा सकते हैं,
एक तो क्या, दूसरा किसको। जैसे ही मैंने कहा कि राम ने फल खाया, तो इसमें आ सकता है कि राम ने क्या खाया, तो इसका आंसर होगा राम ने फल खाया। और दूसरा अगर हम पूछें कि राम ने किसको खाया, तो हम उसमें भी हम कह सकते हैं कि राम ने फल को खाया। लेकिन विवेक सो रहा है, इसमें कोई भी हम क्या और किसको, इन दोनों का आंसर नहीं दे सकते। तो इसका जो भेद होगा वो होगा अकर्मक, कि विवेक सो रहा है। विवेक क्या सो रहा है, विवेक किसको सो रहा है, इसका हम आंसर नहीं दे सकते। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा अकर्मक। सकर्मक, द्विकर्मक और प्रेरणार्थक, इसका आंसर नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी क्रिया हेतु मद्भूत से संबंधित है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि ये कौन सा काल से संबंधित है, भूतकाल, भविष्य काल या वर्तमान काल। अब जो क्वेश्चन आते हैं हमारे कालों से संबंधित आते हैं, कि जो हमारे भविष्य काल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं, और वर्तमान काल होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं, और कौन सा प्रकार हमारा इनमें शामिल नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। चलिए, जो इसका आंसर है 14th क्वेश्चन, इसका है ऑप्शन डी, मीरा खाना बनाती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मीरा खाना बनाती। हेतु हेतु मद, मैं यहाँ पे आपको डिटेल बताना चाहूंगी। हेतु हेतु मद जो होता है, इसमें जो क्रिया होती है वो भूतकाल में होती है, लेकिन पूरी नहीं होती है, उसका पूरा वाक्य नहीं लिखा जाता है हेतु हेतु मद में, कि मीरा खाना बनाती। अब मीरा ने खाना बनाया या नहीं बनाया, मतलब बनाती बनाती है, अगर है लगा देते तो ये हमारा हेतु हेतु मद में नहीं आता। इसलिए यहाँ पे स्टॉप जो इसको कर दिया है, ये हमारा हेतु हेतु मद का उदाहरण है, क्योंकि इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि मीरा ने खाना बनाया है या नहीं। यहाँ पे सिर्फ इतना कहा गया है कि मीरा खाना बनाती। आप समझ सकते हैं आगे इसको कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसमें क्रिया को पूर्ण नहीं किया गया है, वाक्य पूर्ण नहीं किया गया है, इसलिए हेतु हेतु मद भूत में शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह खाता हो, काल का भेद क्या होगा। फ्रेंड्स, इस जो 15th क्वेश्चन है इसको गलत मत समझिएगा, क्योंकि ये हमारे इन्हीं जो मैंने आपको बताया है कि वर्तमान, भूत और भविष्य, इन तीनों का कालों को अब पूछा जाता है, तो ये उसी का एक उदाहरण है कि वह खाता हो। जैसे कहते हैं काश वह खाता हो, काश उसने खा लिया हो, तो इसी टाइप से ये है कि वह खाता हो, यह किसका उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये हमारा संभाव्य, यानी संभाव्य का उदाहरण है, मतलब संभावना बताई गई है कि काश वह खाता हो। संभाव्य, पूर्ण नहीं है ये, अपूर्ण भी नहीं है, संदिग्ध भी नहीं है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। मैं इसको बताना चाहूंगी कि संदिग्ध होता तो ये होता कि वह खाता होगा, संदिग्ध वर्तमान की अगर यदि बात की जाती तो इसका आंसर होता, मतलब इसका ऑप्शन होता हमारा कि वह खाता होगा। और अगर हम पूर्ण की बात करते तो फ्रेंड्स, पूर्ण में हमारा आता कि वह खा चुका है, वह खा चुका है, लेकिन यहाँ पे चुका है नहीं है, इसलिए पूर्ण भी नहीं होगा। और अगर बात करें अपूर्ण की, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि वर्तमान काल में अपूर्ण का ऑप्शन नहीं है, वर्तमान काल में जो है वो अपूर्ण का ऑप्शन नहीं होता है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन 4 भी हमारा गलत होगा। अपूर्ण हमारा ऑप्शन होता नहीं है, अगर पूर्ण की बात करते तो पूरा खा चुका होता, संदिग्ध में हमारा आता कि वह खाता होगा इस टाइप से, तो वह खाता हो या संभाव से रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी रचना हमारे सूदास से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये हमारा जो है ये मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिटरेचर के डालूंगी, ये जो हमारा साहित्य से रिलेटेड डालूंगी, तो ये हमारे वही क्वेश्चंस हैं। अब इनके जो आंसर है मैं वो बताऊंगी आपको। इनमें से कौन सी रचना हमारे सूरदास से संबंधित है। हरिदास के पद भ्रमर गीत, सॉरी हरि सॉरी संबंध नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं की बात की गई है। तो हरिदास के पद भ्रमर गीत, साहित्य लहरी या फिर सुरावली। तो इसका जो सही आंसर है वो है हरिदास। हरिदास के पद हमारे जो है सूरदास जी ने नहीं लिखे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। भारत का जो प्रथम समाचार पत्र था वह कौन सा था। इसका सही आंसर है बंगाल गजट, हिंदी गजट और कलकत्ता। फ्रेंड्स,
ये जो क्वेश्चन है, मैं इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन डाला है सिर्फ आपको ही बताने के लिए कि हमारा जो भारत का प्रथम अखबार था, न्यूज़पेपर था, समाचार पत्र था, वो था बंगाल गजट। लेकिन बंगाल गजट के ही नाम है हिक्की गजट और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर हमारा जो है बंगाल गजट का ही नाम है, क्योंकि यह तीन नामों से संपादित किया गया था, तीन नाम से इसको पब्लिश किया गया था, बंगाल हिक्की और कलकत्ता जनरल, इन तीन नामों से निकला था। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि ये जो ऑप्शन है इसको आप याद रखें, क्योंकि हो सकता है हमारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डाल दिया जाए कि बंगाल गजट के अलावा हमारे इन दो ऑप्शन को या किसी एक ऑप्शन को निकाल दिया, मतलब रख दिया जाए कि कौन सा हमारा समाचार पत्र था, क्योंकि ये तीनों जो है वो एक ही न्यूज़पेपर के नेम थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पत्रिका दिवस मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स पत्रिका दिवस जो है हमारा 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई इज द राइट आंसर। 30 मई को हमारा पत्रिका दिवस जो है वो मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो हमारा पत्रिका दिवस है, पत्रिका दिवस जो है हमारा, ये उदंत मार्तंड जो हमारा 30 मई 1826, 30 मई 1826 को ये हमारा पब्लिश हुआ था पहली बार, और कलकत्ता से इसको प्रकाशित किया गया था। उसके जो हमारे संपादक थे, ये थे हमारे जुगल किशोर शुक्ल जी, इनको इन्होंने इसको संपादित किया था। तो उसी, ये हमारी पहली पत्रिका थी, ये हमारा पहला समाचार पत्र था, इसलिए इसी दिन हमारे क्या बोलते हैं, भारत का प्रथम हमारा पत्रिका दिवस के रूप में इसी दिन को मनाया जाने लगा, क्योंकि इसी दिन हमारी ये पत्रिका जो है पहली पत्रिका हमारी संपादित हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? फ्रेंड्स, जो हमारा पहले क्वेश्चन था, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, और यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। फ्रेंड्स, कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ में कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र बोला जा रहा है, ना कि भारत का प्रथम समाचार पत्र। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा उदंत मार्तंड जो है वो हमारा हिंदी का जो है प्रथम समाचार पत्र था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा एक साथ चार भाषाओं में छपने वाला समाचार पत्र था। एक साथ चार भाषाओं में हमारा जो समाचार पत्र छापा गया था वो कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है बंगदूत। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारा बंगदूत था, ये हमारा बंगाल, मतलब बांग्ला लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, इन चार भाषाओं में जो है पब्लिश किया गया था, इन चार भाषाओं में आया था। और भारत का यह पहला न्यूज़पेपर था जो एक साथ चार भाषाओं में पब्लिश हुआ था। तो चार भाषाओं में जो छपा था वो था बंगदूत। और इस तरीके से हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो डलेगा फ्रेंड्स, तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस और हमारे जो पत्रिकाओं से रिलेटेड हैं वो डालूंगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारा ये अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं हिंदी से रिलेटेड कई जो है वीडियोस डाल चुकी हूँ, तो अगर आप उसको देखना चाहें तो उसका लिंक आपको नीचे अवेलेबल होगा, तो आप उसमें से हमारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।